हरे कृष्णा, मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने वाले टॉप 5 ये वेबसाइट बिल्डर के अपने फाइनल और लास्ट प्लेटफॉर्म के बारे में, VG.co, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को फ्री में कैसे बना सकते हैं उसमें आपको बताया जाएगा। आगे 2-3 पार्ट्स मैंने, यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म हो गया, अपने studio.design हो गया, और उसके अलावा मैंने टॉप 5 प्लेटफॉर्म बताया उसके अंदर भी 1-2 बताए दिए थे। तो कैसे यूज करना, किस तरह से यूज करना है, सब आपको पार्ट वाइज बता रहा हूँ। कैसा लगा सीरीज आपको जरूर लाइक करके बताना, और आगे और भी क्या करना है उसका भी कमेंट बताना। ये अभी फाइनल है, इसमें आपको लास्ट वाला जो ये प्लेटफॉर्म है आपको मैं रिव्यू करके दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए लाइक कर देना, VG को कैसे यूज करना है, किस तरह से हम फ्री में अपनी वेबसाइट काफ़ी क्वालिटी की और बढ़िया से बनाएंगे, और क्या क्या और भी इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं, आगे सब आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो के लिए लाइक कर देना, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आगे अपने यहाँ पे अपने ओपन कर दी वेबसाइट VG.co, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे विजिट कर लेना। सिंपली सब जानकारी दे दी थी, तो यहाँ पे आप सब देख लेना। यहाँ पे गेट VG फ्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप गूगल या अपने जो भी ईमेल से साइनअप कर सकते, तो मैं ऐसे गूगल से करता हूँ। तो ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है। इसमें आपको थोड़ी बहुत फिलअप कर देनी जानकारी, इससे पहले ओपन होने से पहले उसमें आपको थोड़ा बहुत पूछा जाता है, तो उसको आप फिलअप कर सकते हो। अभी यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ब्लैंक का ऑप्शन मिलता है, एक न्यू साइट क्रिएट विद AI। तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको बिजनेस का नाम देना है, टाइप देना है कि किस तरह का आपका बिजनेस है वो, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है आपके बिजनेस के अबाउट बता देना, ठीक है, बिजनेस के बारे में। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना और सिंपली जनरेट साइट पर क्लिक करना। ये थोड़ा आपको अपने मैन्युअली तरीके से करना होगा। ये भी आपको ये टेम्पलेट्स जो मिलते हैं ये वाकई काफ़ी बढ़िया काम करेंगे, जिसमें आपको लाइक पूरी वेबसाइट का इंटरफेस देखने को मिलेगा, वरना फिर आप जो AI से करोगे वो इतना वेबसाइट पूरी तरह से नहीं लगेगा, प्रोफेशनल वेबसाइट है, इसीलिए आप ये टेम्पलेट यूज करिए। टेम्पलेट्स में कोई थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप अपनी वेबसाइट की तरह बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के लाइक देखिए, यहाँ पे पर्सनल UX, पोर्टफोलियो है, पॉडकास्ट, यहाँ पे रिज्यूमे डिजाइनर, पेट्स के लिए, कैफे के लिए, डिजिटल लाइफ, लॉ, स्विच कैफे और लिपस्टिक वगैरह के लिए भी अलग अलग टाइप्स के टेम्पलेट बन रखे हैं, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे परव्यू करेंगे US पोर्टफोलियो को, तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसने बनाया हुआ टेम्पलेट है, जिसे हम यूज करके अपने साइड में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल फास्टेड और इजी और काफ़ी बढ़िया लेवल की वेबसाइट यहाँ पे शॉर्टकट वेबसाइट देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब जानकारी दे रखी, इनको हमें चेंजेस करना है, और यहाँ पे हम अपने अलग और भी अंदर इसके अंदर पेजेस वगैरह जो बना सकते हैं यहाँ पे, लाइक देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरह से ऑप्शंस दे रखे। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे ये VG में आएंगे और यहाँ से हम यूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमें अपना नाम दे देना है साइड का, कंटिन्यू करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है, और हम यहाँ से इसको पूरी तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और इसमें कस्टमाइजेशन करने के बाद फिर हमारे जो भी डिटेल दे देनी वेबसाइट के बारे में, आपके से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है उसको डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसको कैसे पब्लिश करना वो आपको मैं दिखा दूँगा। तो यहाँ से आप देखिए, आपको यहाँ पे एक तो फर्स्ट में आपको पेज का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप पेज ऐड कर सकते हो, पोस्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप पोस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद डिजाइन में आप देख सकते हो, लाइक जैसे कि यहाँ पे डिजाइन वेबसाइट की दे रखी है, यहाँ पे हम वापस पेज सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिजाइन पे आते हैं। तो लाइक जैसे कि ब्लू में आपको चाहिए तो ब्लू कलर यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे और भी कलर्स दे रखे हैं, तो आपको जिस हिसाब से आपको चाहिए वहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट का, और साथ ही कलर के साथ टाइटल हमने सॉरी फॉन्ट का भी कलर्स मिलते हैं, फॉन्ट्स भी आप चेंज कर सकते हो, आपको जो पसंद आता है वो कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम यहाँ पे ये रखेंगे जो पहले से बनी हुई है वो, और यहाँ से फिर कॉन्टेक्ट्स यानी कि आप अपने ये जोड़ सकते हो सब्सक्राइबर्स वगैरह, और एनालिटिक्स देख सकते हो इस वेबसाइट के, और सिंपली यहाँ पे हम इसको 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रीस्टाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसमें जो भी चेंजेस करने हैं उसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस आ चुके हैं, और यहाँ से मैं लिखूँगा ठीक है, और यहाँ से हम इसमें सब टाइटल्स चेंज कर सकते हैं लाइक हेलो ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा फिर यहाँ पे इमेज दे रखा है, ऊपर इमेज आपको चेंज करना है तो इमेज चेंज करके आप वीडियो लगा सकते हो लिंक वगैरह देके, और यहाँ से आप क्लिक करके इसको भी चेंज कर सकते हो। इसमें इतने सारे दे रखे अलग अलग टाइप्स के लाइक, जैसे कि आपको ये सिलेक्ट करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप जो भी आपको पसंद लगता है वो यहाँ से आप कर सकते हो ठीक है। और यहाँ से हमें ऑल टेक्स्ट भी दे सकते हैं, बटन है जो कि यहाँ पे बटन दे रखे हैं, यहाँ पे हम फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म जो है बेसिकली प्रीमियम वर्जन में आएगा, तो आपको बटन ही सिलेक्ट करना है। और सिंपली फिर हम यहाँ आते हैं स्किल्स में, तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर दिया जाएगा, यहाँ पे आप लेबल देख सकते हो, इसमें ये दे रखे हैं, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, लिस्ट में आप देख सकते हो, लिस्ट को आपको वापस अपने एडिट कर देना है,
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो लिस्ट के अंदर, उसके बाद यहाँ पे लिंक्स दे सकते हो, जैसे कि UX रिसर्च है तो यहाँ पे आपका पोस्ट बन जाएगा इसके अंदर, और वहाँ पे पोस्ट की आपको लिंक यहाँ पे दे देनी है। तो लाइक देखिए वेब पेज, ईमेल और फॉर्म यहाँ पे आप दे सकते हो, और इसमें आइकन भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इतने सारे आइकन्स के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जो आपको पसंद आता है वो यहाँ से सिंपली जैसे कि सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपको इसको भी आप चेंजेस कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे भी लिस्ट आपको देखने को मिलती है। यहाँ से आप इमेज चेंज कर सकते हो, ऑल टेक्स्ट बटन वगैरह ऐड कर सकते हो, बटन में आपको टेक्स्ट दे देना है, फिर यहाँ पे आप लिंक देके यहाँ पे इसको भी कर सकते हो। फाइनली पूरा तैयार हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आप अपने फुटर में आप देख सकते हो टेक्स्ट देना चाहते हो वो दे सकते हो, ई ए से जनरेट करके यहाँ पे रीराइट कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे क्लिंक्स बटन, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भी आप ऐड कर सकते हो, फेसबुक है, उसके अलावा जैसे कि टिकटॉक हो गया, अपने लिंक्डइन हो गया, आपके पास जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे दे सकते हो उनके लिंक्स वगैरह, ठीक है। कॉपीराइट का भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, भाई न्यूज़ हेड है लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम कॉपीराइट लिख के यहाँ पे कुकी का भी ऐड कर सकते हो कि पेड वर्जन में। तो यहाँ पे सब आपको तैयार हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पब्लिश करोगे तो यहाँ पे अपने माई आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई साइड, माई न्यू साइड, ठीक है। और यहाँ से हम पब्लिश पे सिंपली क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमें यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और वापस यहाँ पे पब्लिश पे आएंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, विजिट साइड पे क्लिक करेंगे, और हमारे साइड कुछ इस तरह से दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया कि भाई अपनी साइड आपको बना के आपको किस तरह से पब्लिश करनी है। यहाँ पे सब आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, अभी मैं फ़िलहाल ये वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ, फिर भी ये 10 मिनट के आसपास हो जाता है वीडियो। तो ये देखिए इतना डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ कि भाई आप इस तरह से चेंजेस करके कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आपको इस तरह से इसका ये वाटरमार्क आता है, यहाँ पे पेड वर्जन लोगे तो हट जाएगा ये, तो वाटरमार्क हटाने के लिए फिर आपको पेड वर्जन लेना होता है, जिसमें आपको आगे मैंने बात बताई थी, जानकारी सब दी थी, वो आप अपने प्लान वगैरह में देख के कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को एडिट भी कर सकते हो, और यहाँ से आपको अपने एनालिटिक्स वगैरह भी देखने तो वो भी देख सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वीजी पे आप काम कर सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन इसको बढ़िया मिलता है कि आपके पास का जैसे कि इंस्टाग्राम में बायो में लिंक्स वगैरह देने के लिए आपको पेजेस बनाने, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। सबसे बढ़िया यही काम होगा कि आप अपने लिंक्स वगैरह बनाने के, शॉर्ट लिंक्स बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हो। इसमें आपको एक तो ये टेम्पलेट मिलता है लिंक्स का, और एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे हाइप करके यहाँ पे भी लिंक्स आप इस तरह से बना सकते हो। तो दो ऑप्शन मिलता है, जिसमें सबसे पॉपुलर तो ये लिंक्स के लिए ये बना हुआ है, जिसमें आप अपना नाम है, आप यहाँ पे जो भी मेल फीमेल हो वो उसका आइकन है, फिर यहाँ पे ईमेल दे सकते हो, फिर यहाँ पे आपकी लिंक्स दे सकते हो, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, लिंक्डइन है, यहाँ पे टेलीग्राम है, जो भी है आप अपने एफिलिएट प्रोग्राम प्रमोट करते हो उनके भी लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपना लिंक बिल्डर भी बना सकते हो, जिसमें आप अपने लिंक्स बायो में ले सकते हो, और फ्री में ये भी काम होता है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये पार्ट्स हमारे सब कंप्लीट हो चुके हैं, टॉप 5 मैंने बताया था, इसमें आपको टॉप 5 रिव्यू करके बता दिए। तो उम्मीद करूँगा आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और ऐसे नए यूट्यूब और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।